क्या लग रहा है कि महागठबंधन तरफ या एनडीए की तरफ? वो समय आएगा तो बता दिया जाएगा। खगड़िया से पूरे बिहार से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी और समय आएगा तो आप लोगों को बता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था और ऐसे में खगड़िया जिले के मटिहानी गांव की रहने वाली आयुषी नंदन जो साइंस स्ट्रीम की टॉपर बनी थी, और ऐसे में आयुषी नंदन के लिए बधाइयों का ताता लगा। और देखिए इसी बीच जो वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वो भी मुलाकात करने पहुंचे हैं आयुषी नंदन से। मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कर मुकेश सहनी, आप देखिए इस वीडियो में। परिवार को बधाई देने के लिए आए कि भाई अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे, और आप देख सकते हैं कि किस परिस्थिति में गरीब घर में भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक हमारे राज्य के लिए शुभ संकेत है। और तमाम गरीब पिछड़े ऐसे समाज में कि आप अगर मन से अगर चाहेंगे तो आपके पास आर्थिक स्थिति कम भी रहेगा तो भी आप अगर चाहेंगे तो राज्य में टॉपर बन सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं कुछ है तो कहीं ना कहीं उनका बहाना भी उनके साथ होता है। निश्चित तौर पे पढ़ाई लिखाई में संसाधन तो चाहिए, लेकिन अगर मन में अगर हो इच्छा तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ सकते हैं। और बिहार का जीता जाता उदाहरण है कि इन्होंने राज्य टॉप की है, और मेरा शुभकामना है और पूरा खगड़िया जिला के जितने भी लोग हैं सबका शुभकामना है, और राज्य का इसी तरीके से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और आने वाले समय में बच्चे लोगों के लिए जितना हो सकता है हम लोग सरकार में आएंगे, सिस्टम बनाएंगे पहले से बेहतर अभी राज है और आगे आज जो है इससे भी बेहतर आने वाले समय में राज्य को लेके जाएंगे। मुकेश जी 24 जो है नज़दीक आ रहा है, आपका क्या रोल रहेगा? 24 में रोल होगा पूरे बिहार में पूरे देश में नज़र बनाए रखे हैं, देश में अच्छा हो, खगड़िया उसमें भी है एक है, और खगड़िया में तो हम चुनाव लड़े हैं, यहाँ तो विशेष हमारा अपना पर्सनल लगाव है। तो निश्चित तौर पे राज्य में 40 लोकसभा सीट है, अगर 2-4 लोकसभा सीट पर अगर ज़्यादा मेरा फोकस होगा ध्यान होगा उसमें से खगड़िया लोकसभा। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन तरफ या एनडीए की तरफ? वो समय आएगा तो बता दिया जाएगा। राहुल गांधी जी वाले जो हम लोग अपने रद्द वाला प्रकरण इसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी न्यायपालिका पे हमें ज़्यादा उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल भी उनको सम्मान करता था न्यायपालिका, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। लेकिन ये जो राहुल गांधी मामले में जो प्रक्रिया हुआ है मैक्सिमम सजा का, इसको देश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसी तरीके से मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये जो हुआ वो सही नहीं है। इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए, सजा भी हो तो थोड़ा कम होता जा, ताकि देश में एक विपक्ष का आवाज़ बन के उभर रहे थे, देश में हर जगह बात रख रहे थे कि भाई अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपया आया कहाँ से, तो ऐसे लोगों को आवाज़ बंद नहीं करना चाहिए, सजा देना चाहिए अगर गलत किए तो, लेकिन इस तरीके से सजा नहीं देना चाहिए। और आनंद फानन में सदस्यता रद्द हो जाना, मतलब ये कहीं ना कहीं ये बदले का भावना हमें नज़र आ रही है। इसमें बाहर रहा कि इस पर बहुत ज़्यादा क्या बोलना, देश के जनता और युवा सब लोग समझ रहे हैं, और आने वाले समय में हमें पूरा उम्मीद है कि जब ऊपरी अदालत जाएंगे तो इस पर राहुल गांधी जी को रिलीफ मिले। केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ईडी सीबीआई पर भी कि जो है विपक्ष को लगातार टॉर्चर किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे आज आप पत्रकार हैं और आप ही के जहन में ये सवाल उठ रहा है तो आपको खुद एहसास होता होगा कि ऐसा हो रहा है तभी आप सवाल कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसका जवाब यही है कि ये बात सही है कि उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या इस बार मुकेश सहनी खगड़िया से किस्मत आजमाएंगे 24 में? खगड़िया से पूरे बिहार से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी और समय आएगा तो आप लोगों को बता देंगे। तो अभी आपने देखा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मुलाकात करने पहुंचे थे आयुषी नंदन से, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग भी मेहनत करते हैं उनको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और भी क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सहनी आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।